हेलो एंड वेलकम टू टेली एक्सप्रेस। दोस्तों, सीरियल अनुपमा में अब आएगा सबसे बड़ा तूफान, जहां पर अब अनुपमा को बचाने के लिए होगी जीके की एंट्री। अनुपमा पहुंच चुकी है अमेरिका। अमेरिका जाने के बाद एहसास हो गया है अनुपमा को कि अपना देश ही सबसे अच्छा है। अनुपमा को लूट तक लिया लोगों ने, और अब ऐसे में अनुपमा के पास ना तो रहने का, ना खाने का, ना पीने का कोई ठिकाना नहीं है। अनुपमा सड़क पर है, पानी तक पीने के उसके पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि उसको लूट लिया गया है। अब ऐसे में यहाँ पर अनुपमा बहुत बड़ा कदम उठाएगी। जी हाँ, अनुपमा पानी पीने के लिए जब सड़क पे पड़ी हुई बोतल को उठा रही होगी, पानी पी रही होगी, तो उसको पुलिस वाली समझ लेगी यूएस की कि ये तो रिफ्यूजी है, ये लगता है डंकी मारकर आई है और इसके पास पासपोर्ट और वीजा कुछ नहीं होगा। ऐसे में पुलिस वाली अनुपमा को पकड़ लेगी और उससे पासपोर्ट और वीजा मांगेगी। अनुपमा के पास नहीं होगा, क्योंकि उस बिचारी का तो सारा सामान चोरी हो चुका है, और अब ऐसे में पुलिस वाली उसे पकड़ कर ले जाने लगेगी। लेकिन तभी अनुपमा को बचाने के लिए आएगा जीके, वो जीके जो कि अनुपमा को अपनी बेटी मानता था, जिसको ये पता था कि अनुज के लिए अनुपमा क्या मायने रखती है। और यहाँ पर अब जीके आकर अनुपमा को पुलिस से बचाने की कोशिश करेगा। जीके को देखकर अनुपमा खुशी से झूम जाएगी। जीके आते ही अनुपमा को गले लगा लेगा और पूछेगा उससे कि बेटा, तू यहाँ तक कैसे आ गई? जिसके बाद वो ये भी बताएगा उसको कि अनुज कितना अधूरा हो चुका है तेरे बिना, और किस तरीके से वो अपनी जिंदगी अकेले काट रहा है। और जब मैंने उससे बार बार ये कहा कि तू अनुपमा को बहू को बुला ले, तो उसने तुझे बुलाने का कभी भी मेरे सामने नाम नहीं लिया, क्योंकि वो हमेशा मुझसे यही कहता रहा कि मैं उसको कभी नहीं बुलाऊंगा, वो खुद आएगी तो आएगी। वेल दोस्तों, यहाँ पर जीके अनुपमा को बचाकर पुलिस से घर चलने के लिए कहेगा, लेकिन अनुपमा मना कर देगी, क्योंकि अनुपमा को अनुज से बात फिलहाल नहीं करनी होगी। लेकिन यहाँ पर जीके अनुपमा को नौकरी दिलवाएगा एक रेस्टोरेंट में, और यहीं से अनुपमा की जिंदगी अमेरिका में बदलनी शुरू होगी। कितने एक्साइटेड हैं आप ये सब देखने के लिए? हमें कमेंट्स में आप ज़रूर लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।